जीआईएस G20 समिट को लेकर सरकारी की तैयारियां तेज। कार्यक्रम को चलते पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की है। खुद की और घर की शादी में गए पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई है। जेसीपी एलओ पीयूष मोडिया ने आदेश जारी किया है। जीआईएस G20 समिट को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम के चलते पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई है। लखनऊ कमिश्नरेट ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की है। खुद की और घर की शादी में गए पुलिस कर्मियों को रियायत दी गई है। जेसीपी एलओ पीयूष मोडिया ने आदेश जारी किया है। जीआईएस G20 समिट को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के चलते पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की है। खुद की और घर की शादी में गए पुलिस कर्मियों को रियायत दी गई है। जेसीपी एलओ पीयूष मोडिया ने आदेश जारी किया। स्वतंत्र देव सिंह का सोनभद्र दौरा, आज सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे स्वतंत्र देव। रॉबर्ट्सगंज मार्ग की विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। दुद्दी ब्लॉक के कन्हर बांध परियोजना का निरीक्षण करेंगे, 5:30 बजे तिलक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पटेल का है तिलक। यूपी की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम बुलंदशहर पहुंची हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ बैठक करेंगी विजय लक्ष्मी। बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा करेंगी विजय लक्ष्मी। कलेक्ट्रेट पहुंची मंत्री विजय लक्ष्मी का डीएम एसपी ने स्वागत किया। यूपी की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम बुलंदशहर पहुंची। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, आरएसएस प्रमुख भागवत के बयान ने तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व दंगियों की कलाई खोल दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बातें कही है, धर्म की आड़ में महिलाओं, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले लोगों की कलाई खोली। तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व दंगियों की मोहन भागवत ने कलाई खोल दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बातें कही हैं, कम से कम अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। समाजवादी पार्टी कलयुगी बहू ने ससुर पर जानलेवा हमला किया है, फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, गंभीर हालत में वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृद्ध के बेटे सतीश चंद्र ने आरोप लगाया। छोटे बेटे की बहू से खेत को लेकर विवाद चल रहा है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम जुजुइया का मामला है। कलयुगी बहू ने ससुर पर जानलेवा हमला किया, फरुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। 2021 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे सपा कार्यालय, बड़ी खबर सामने आ रही है। 2021 दरोगा भर्ती में धांधली के आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं अभ्यर्थी। 2021 में 9,000 पदों पर निकली थी दरोगा भर्ती।
अभ्यर्थियों का आरोप भर्ती में धांधली हुई थी, जिसको लेकर सपा कार्यालय पहुंचे हैं अभ्यर्थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2021 दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी सपा कार्यालय पहुंचे हैं, 2021 दरोगा भर्ती में धांधली के आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। का एग्जाम जो था नवंबर से लेके दिसंबर, 2 दिसंबर तक चला था, और उसमें इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है कि उसके साथ से हम लोग आज 1 साल से लेके घूम रहे हैं। हम लोगों ने लखनऊ इको गार्डन में धरना भी दिया था, और उसके बाद भी आज तक हमारे हाथ में कोई भी कामयाबी नहीं लगी है। जो बच्चे 15 से 20 लाख रूपये देके इस भर्ती में आए थे, वो लोग चयनित हो चुके हैं। उन लोगों की चयनित ट्रेनिंग पे जाने की तैयारी पूरी पूरी हो चुकी है सरकार के द्वारा, लेकिन हमारा दुख दर्द अभी तक कोई भी समझने को तैयार नहीं है। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी सपा कार्यालय पहुंचे हैं, दरोगा भर्ती में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? विवांशु, आपको आवाज आ रही है हमारी? नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया है कि आप सदन की जब कार्रवाई चले और उन्हें कहीं ना कहीं न्याय दिलाए। वहीं आपको बताएं कि आज दर्जनों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, उस वक्त बात की जाए तो 2021 में 9000 दरोगा की भर्ती निकली थी, जिसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। और इसमें ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार को हम लगातार ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार के तमाम लोगों को। अब वो नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि सदन की जब कार्रवाई हो तो हमारे मामलों को उठाएं और हमें न्याय दिलाएं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। खेत पर गई किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ, कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 साल की किशोरी खेत पर चारा लेने गई थी, दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा है। गांव के ही एक युवक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशुनगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।